दोस्तों, ये टिकट की जो सबसे पहले अपडेट आए, आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी के समय में भीड़ इतना काफ़ी चल रहे हैं टिकट कटाने में और आपको रेल यात्रा करने में कि आप सोच नहीं सकते हैं। काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है यार, आप मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये अपडेट जो आया है आपको बताएंगे कि अपडेट क्या है और वेटिंग टिकट के लेकर कुछ अपडेट है, और अपडेट सबसे ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो सबसे पहले अपडेट आप तक तो पहुँच ही जाएगा, अगर आप नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा नाम करण प्रताप और आप सभी को स्वागत करते हैं करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले का अपडेट कुछ और था, जो आपको टिकट बना लेते थे, बस वेटिंग टिकट वाले को आपको उसमें एंट्री नहीं लेने देता था, जो स्लीपर वाले बोगी में, स्लीपर वाले डब्बे में। बट अब क्या है कि रूल कुछ चेंज किया गया है। रूल क्या चेंज किया है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि लेडीज़ को जो है, लेडीज़ को मतलब लेडीज़ के पास वेटिंग सीट हो या आपको कंफर्म हो, लेडीज़ यात्रा कर सकते हैं ये स्लीपर वाले में। उसके बाद अगर आप जेंट्स हो तो आपको नहीं कराया जाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता हूँ क्या इसमें बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से, ट्रेन में पुरुषों के बगैर टिकट उतारा जा सकता है पर महिलाओं को नहीं, क्या वजह। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ से नई दिल्ली ट्रेन वगैरह, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको अगर लेडीज़ हैं तो आपको यहाँ से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देख सकते हैं आपको पूरी, यहाँ से बताया जा रहा है कि आप लेडीज़ हैं तो यात्रा कर सकते हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो आप वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको सारे यहाँ से प्रूफ देख सकते हैं। तो यहाँ से ये अपडेट कुछ लागू किया गया, बहुत सारे का अपडेट ये मालूम नहीं होगा कि अपडेट आखिर क्या कर दिया है। क्योंकि देखिए, अगर कोई जेंट्स हो उसको आप तो तकलीफ़ तो होता ही है, कहीं अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो वहाँ पे आपको अगर सीट नहीं मिलता है, वेटिंग टिकट आपको कंफर्म नहीं होता है, तो उस गाड़ी से आपको उतार देते हैं, मतलब आपको उतार देते हैं, आपको बोल देते हैं कि टीटी आप जाइए, आप स्लीपर से हटके आप जनरल बोगी में जाके बैठिए। क्योंकि ये रूल जो है जो लागू कर दिया गया, मेरा टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। तो देखिए, अगर आपको टिकट कंफर्म नहीं हो रहा तो आप जाके तत्काल टिकट बना सकते हैं। तत्काल टिकट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको बता दिया हूँ कि तत्काल टिकट बनाने का क्या क्या प्रोसेस पड़ता है और आप तत्काल टिकट किस तरह से बनवा सकते हैं। और अगर आप कहीं दूरी का यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कि 1000 किलोमीटर या 2000 या 3000 किलोमीटर दूरी जाना चाहते हैं, तो आपको टिकट अगर मान लेते हैं कंफर्म नहीं है, आपके पास मेंबर फैमिली है तो आप चल सकते हैं। मेंबर फैमिली हो तो आपको कोई बात नहीं, चलेंगे। अगर आप एक जेंट्स हो तो आपके लिए अगर वेटिंग टिकट पर सोचते हैं कि मैं वेटिंग टिकट पर यात्रा करूँ तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने न्यूज दिखाया, रियल की न्यूज़ है। और परेशान भी होंगे यार कि ये कैसे सरकार ने गाइडलाइन निकाला है जो लेडीज़ को वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं और जेंट्स को क्यों नहीं। तो अगर इसका भी कुछ अपडेट आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको दिया जाएगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं करने देगा। आप वेटिंग टिकट को कैंसिल करा के जनरल टिकट लेकर के जनरल डब्बे में बैठ सकते हैं। आप सोचेंगे यार मैं तो इसमें पैसा दिया हूँ, मैं यहाँ पर जनरल जितना जितना स्लीपर में लगता है उतना पैसा वेटिंग में दिया हूँ, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है तो मुझे क्यों उतार देगा। तो मेरे चैनल पर आपको कई सारा वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएंगे क्योंकि आपको प्रोसेस करना है। अगर आपके आरएसी कंफर्म नहीं हो, अगर आपको वेटिंग टिकट से आरएसी करवाना है, तो उसके लिए मैं वीडियो कंप्लीट में वीडियो बना दिया हूं, वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। टिकट बनाना है आपको, टिकट कब की कंफर्म होगा, कब की टिकट कंफर्म नहीं होगा, आपको सरकार जो है आपको मतलब ये सब योजना कैसे शुरू कर दिया। आप सब बहुत सारे को ये भी मतलब सर्च करते रहते हैं कि भाई ऐसा रूल तो कभी था नहीं, ये अचानक से ये रूल कौन से रूल आ गया। देखिए, जो रेल मंत्री है उसको कंप्लेन ऐसे गए हैं कि बोल रहे हैं कि स्लीपर वाले डब्बे को भी जनरल डब्बे बना दिया। तो भाई, स्लीपर का कोई मान्यता नहीं रहा, आप जनरल जैसे आप कोई भी यात्रा 2-3 महीने पहले टिकट यात्रा करते थे उसको भी परेशानी हो रहा था, और जो आजकल में जल्दीबाजी में जा रहा है उसको तो परेशानी हो ही रहा है, इसलिए ये लागू किया गया है ये अपडेट। अगर रेलवे में कुछ और अपडेट आते हैं तो सबसे पहले अपडेट आपको दी जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट भी क्वेश्चन है या आरएसी आपको वेटिंग डब्ल्यू कुछ भी, तो इस चैनल के कॉमेंट में कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।